नाउ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 11.1. द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इस बार हम लोग 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. ठीक है ना. अब देखो ये एक्चुअली 45 हम डायरेक्ट नहीं कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले हम 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो इसीलिए टाइम बचाने के लिए मैंने 90 डिग्री वाला जो स्टेप्स है वो मिटाया नहीं है. ठीक है ना. तो क्योंकि फिर मैं बार बार वही लिखता तो तुम्हारा टाइम कंज्यूम होता, तुमको लेक्चर बोरिंग हो जाता तुम्हारे लिए. ठीक है ना. तो दिस इज द मेन मोटिव दैट वाई आई हैवंट रब दिस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल. क्योंकि पहले हम 90 बनाएंगे, उसके बाद उसका बाइसेक्टर बनाएंगे एंड दैट विल गिव अस एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है. तो देखो सबसे पहले फिर से वही जैसा हमने 90 में किया था वही सेम चीज करने वाले हैं. सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से. ठीक है, दिस इज योर रे. इसका इनिशियल पॉइंट हमने ए मान लिया और यहाँ पर इसको बी मान लिया. ठीक है, सो ड्रॉ अरे ए बी. देखो लिखा है ड्रॉ अरे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट ए. ठीक, अब वही सबसे पहले बिना, देखो ध्यान से सुनना, विथ ए सेंटर एंड सुटेबल रेडियस. अपनी मर्जी से आप 1.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस, सबसे पहले तो आप कंपास उठाइए है ना, निडल को ए पे रखिए और अपनी मर्जी से 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर है ना, उसका आपने क्या ले लिया, रेडियस ले लिया इस तरह से. और इस तरह से आप क्या करना है, आर घुमा दीजिए इन दिस मैनर ये. ठीक है, इसको मैं ट्रेस कर लेता हूँ लाइक दिस. ये हमने बना लिया, सबसे पहले हमने एक आर्क ड्रॉ किया. ठीक है, अब देखो जहाँ पे ये आर्क इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है रे ए बी को, उस पॉइंट को हमने सी मान लिया. ठीक, नाउ विथ सी एस सेंटर एंड सेम रेडियस, रेडियस को चेंज नहीं करना है, जितना रेडियस पहले था उतना ही रेडियस को रखना है कंपस पे. विथ सी एस सेंटर एंड सेम रेडियस है ना, कट एन आर्क ऑन दिस प्रीवियस आर्क एट पॉइंट, इसको डी मान लेते हैं. ठीक है, डी पर कर दिया, फिर से रेडियस चेंज नहीं करना है, फिर से कंपस को पिक करिए. इस बार डी को, निडल को डी पर रखिए, कंपस के निडल को डी पर रखिए और इधर पर आर्क काटिए लाइक दिस. मान लो ये दिस इज पॉइंट डी. ठीक है, अब क्या करना है देखो इसके बाद. नाउ विथ डी एंड ई एस सेंटर ड्रॉ टू आर्क्स है ना, विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट से एफ. मान लो एफ मान लेते हैं इस पॉइंट को. ठीक है, ये हमने क्या किया, विथ डी एंड ई एस सेंटर वही रेडियस रखा हमने, ऊपर एक ई से आर काट दिया और एक डी से काट दिया. ठीक है ना, और फिर इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से लाइक दिस. ठीक है, सो दिस एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री. तो देखो यहां तक तो हमने पूरा कंस्ट्रक्शन लिख ही दिया था दैट ज्वाइन ए एफ है ना, वेयर ऐसा लिख लो, वेयर एंगल बी ए एफ दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, इसके बाद देखो हम क्या करने वाले हैं, अब हमें 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है ना. तो तुम खुद सोचो, देखो ये जो पॉइंट डी है ये 60 है, ये है 120. तो जो 45 डिग्री का एंगल होगा वो इस डी के नीचे से जाएगा, यहाँ कहीं से जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा. एंड फॉर दैट व्हाट यू विल डू, तुम्हें क्या करना है, सपोज करो इसको अपन ने पॉइंट मान लिया ए बी सी डी ई एफ, इसको जी मान लेते हैं सपोज करो. ठीक है, इसमें अब देखो तो तुम्हें क्या करना है, ये जो आर्क जी सी है ना, इसका तुमको मोर देन हाफ लेना है. देखो तुमने कंपास उठाया, सी पर निडल रखा. ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा ही ले लेते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है, है ना. पर करना क्या चाहिए एक्चुअली, हमें मोर देन हाफ ऑफ जी सी, मतलब यहाँ पर हमने निडल रखा कंपास का और पेंसिल को करीब यहाँ तक ले गए. ठीक है ना, और इस तरह से हमने क्या किया, इधर पर एक आर्क काट दिया लाइक दिस ये. ठीक है, रेडियस उतना ही रखना है, चेंज नहीं करना है कंपस का. अब इस बार क्या करना है, जी पर आपको कंपस का निडल रखना है यहाँ पर और इस तरह से इधर पर एक आर्क काट देना है. ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट क्या है, पी है, दिस इज पॉइंट पी. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ए और पी को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है लाइक दिस. ठीक है, ये तो ये एंगल जो बन रहा है ना बेटा, दिस विल बी ऑफ 45 डिग्री. ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है. ठीक है ना, आप चाहो तो प्रोटेक्टर से भी नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसको. ठीक है ना, अब देखो तो अब इसको हमको यहाँ पर थोड़ा स्टेप्स और बढ़ाने पड़ेंगे है ना. तो बस यहाँ पर हम लास्ट स्टेप लिख देते हैं दैट ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एफ, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल
बी ए एफ, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए एफ, ठीक है, विच इज कौन सा एंगल है, विच इज एंगल पी ए बी, विच इज एंगल पी ए बी एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसका जस्टिफिकेशन करना है, तो चलो जस्टिफिकेशन करते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देखो पेपर में 99% चांस है कि टीचर आपसे जस्टिफिकेशन नहीं पूछता है ना। पहली बात तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स हैं, नाइन्थ लेवल का है ही नहीं, है ना। नाइन्थ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली आपको थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन से मिलेंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आते भी नहीं, अगर आएंगे भी तो एक या दो नंबर के आएंगे, तो उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए कहेगा टीचर। पेपर में कंस्ट्रक्शन के लिए सवाल आता है, जस्टिफिकेशन के लिए बहुत मतलब रेयर चांसेस हैं कि कभी पूछ ले, ठीक है। तो चलो जस्टिफाई करते हैं। देखो जस्टिफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं दैट एंगल दिस रे ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एफ, है ना। अपने लिखा सिंस रे ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एफ। अच्छा भाई, बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट दिस एंगल, कौन सा एंगल हमने लिखा था, पी ए बी, एंगल पी ए बी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी एफ, करेक्ट, बिल्कुल। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एंड व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी एफ, 90, सो हाफ ऑफ 90 इज हाउ मच, 45। तो ये हमने देखो जस्टिफाई कर दिया, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो।